शरीर का नाम बीके सुरेश भाई है। शिमला सेवा केंद्र पर इस समय सेवा में तत्पर हूँ। ज्ञान मैंने दिल्ली से लिया है 1963 में सरोजनी नगर सेवा केंद्र से। मुझे मधुबन जाने का सौभाग्य प्राप्त था 1965 में। जैसे मैं पहली बार मधुबन पहुंचा तो पहले बाबा दिल्ली आए हुए थे, तो दिल्ली में बाबा से तो नहीं मैं मिल सका, परंतु मधुबन जाके जब बाबा से मिला मैं, तो बाबा से जैसे मिला तो उससे पहले मैं विश्व रतन दादाजी से मिला, तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया और बहुत प्यार किया। तो मैंने कहा कि मेरे को आते ही ब्रह्मा बाबा मिल गए हैं, परंतु ब्रह्मा बाबा जैसे कहते हैं कि बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह देते थे, तो वैसे स्नेह उन्होंने दिया। तो जैसे मैंने सोचा कि ब्रह्मा बाबा मिल गए हैं, तो उसके बाद फिर जैसे उन्होंने मुझे पूछा कहाँ से आए, कैसे आए, परिचय लिया मेरा, तो जैसे मैंने अपना परिचय दिया, उसके बाद उन्होंने हमें कमरा दिया। हमारी पार्टी में तीन भाई थे हम, तो हमें कमरा दिया गया। तो जैसे कमरे से स्नान करके हम वापस आए, तो जैसे मैं हिस्से हाल के पास पहुंचा, तो बाबा क्यारियां ठीक करके आ रहे थे। तो जैसे बाबा के हाथ में कुदाली पकड़ी हुई थी और बाबा आ रहे थे, तो धोती कुर्ता और खड़ाव पहनी हुई थी। तो जैसे मैं बाबा के नज़दीक पहुंचा, तो जैसे बाबा ने मुझे पहचान लिया कि जैसे कोई घर का सदस्य एक दूसरे को पहचान लेता, बहुत दिनों के बाद मिला, वैसे बाबा ने मेरे को पहचाना। और जैसे मैं पैर लगा छूने, तो बाबा ने पैर नहीं छूने दिए। बाबा ने कहा, बच्चे अभी तुम बालक को, आने वाली सृष्टि के मालिक बनोगे। फिर बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे। जैसे बाबा ने कहा शकीला दे बच्चे, तो मैंने बाबा से पूछा, बच्चे बाबा ये शकीला दे बच्चे क्या होते हैं? तो बाबा ने सारा समझाया कि जो बच्चे मेले में बिछड़ जाते हैं या गुम हो जाते हैं, वो है तुम बच्चे, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो फिर तो बाबा ने अपनी भाकी में लिया, तो भाकी में जैसे बाबा के भाकी में आया मैं, तो बाबा को कहा मैंने, बाबा आज से श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई। तो बाबा ने भी कहा, हाँ बच्चे आज से श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई। तो ऐसे बाबा के साथ उठना बैठना, चलना, काम करना, ये सारी दिनचर्या हमारी बन गई बाबा के साथ। तो दूसरे दिन जैसे क्लास में पहुंचा, तो बहुत अच्छा अनुभव वहां से भी हुआ। तो जैसे क्लास में पहुंचा हिस्ट्री हॉल में, तो जैसे हिस्ट्री हॉल में पहुंचा, तो बाबा कहते कि ये सृष्टि एक ड्रामा है, हम सभी जो एक्टर हैं ड्रामा में, देखो सबका पार्ट अपना अपना है। तो जैसे मैं हिस्ट्री हॉल में पहुंचा, तो वहां बहुत बड़े बड़े टेप रिकॉर्ड रखे हुए थे, और बाबा आप जैसे बैठते थे आके, तो सबसे आगे मेरे को बैठाते थे, जबकि मैं सबसे छोटा था। तो पता चलता था कि अभी ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, अभी शिव बाबा बोल रहे हैं। उसके बाद आधा पौना घंटा जो है ये मुरली चलती थी, उसके बाद जैसे बाबा विदाई लेते थे, तो एक गीत आता है कि सलामी झुक के करने में तेरी याद आती है। तो ऐसे बाबा सलामी झुक के बच्चों को सलाम करके जाते थे। उसके बाद पहले बाबा टोली देते थे, हर एक बच्चे को अपने हाथ से मुख में खिलाते थे। फिर तो ये दिनचर्या हमारी रोज की होगी। तो बाबा के पास मेरा उठना बैठना निरंतर चलता रहता था। तो जैसे ही बाबा को टाइम मिलता था या मेरे को भी टाइम मिलता था, तो बाबा बिठा लेते थे मेरे को। तो कई बार ऐसे बाबा ने सुनाए, अपने अनुभव सुनाए बाबा ने, जो कि बाबा ने खुद अनुभव किए थे, क्योंकि बाबा अनुभवी थे, तभी शिव बाबा ने उन ब्रह्मा का तन लिया, अनुभवी तन लिया। तो बाबा ने शुरू में बताया पहले कि विनाश कैसे होगा। तो विनाश तो होगा जैसे प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बाढ़ें आएंगी, भूचाल आएगा, फिर एटम हाइड्रोजन बम। उस टाइम इतने एटम हाइड्रोजन बम भी वगैरह भी नहीं होते थे, ना ही इतना कोई विनाश के समाचार आते थे, तो ना ही इतना उग्रवाद था। तो बाबा ने आज से कोई 40-45-50 साल पहले बताया बाबा ने, जो कि मुरलियां आज हम सुन रहे हैं, तो उन मुरलियों के आधार पर बाबा ने पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे विनाश होगा। तो कुछ विनाश के मैं आपको सुनाता हूँ कि बाबा के सामने जैसे मैं बैठा था, तो बाबा ने विनाश के बारे में कैसे कैसे बताया। पहला है कि ये सृष्टि में भूचाल आएंगे, बाढ़ें आएंगी,
प्राकृतिक आपदाएं आएंगे, अकाल पड़ेगा, तो ये सब कुछ आप आज समय अनुसार देख रहे हैं कि बाढ़ें भी आ रही है, भूचाल भी आ रहे हैं, जगह जगह हर एक दुनिया में हर एक देशों में भूचाल आ रहे हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं, क्योंकि लास्ट में तो इनके द्वारा ही विनाश होना है। तो बाबा ने कहा कि जब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो जैसे अकाल पड़ेगा, अनाज नहीं मिलेगा, जैसे अभी देखो कितनी फसलें खराब हो रही, कितने जो है आदमी मर रहे हैं, कितने मकान गिर रहे हैं और कितने पहाड़ जो गिर रहे हैं, सड़कें टूट रही। तो ऐसे बाबा ने बताया कि आबू रोड से माउंट आबू तक 27 किलोमीटर का रास्ता है, जैसे भूचाल आएगा तो ये रास्ता सारा टूट जाएगा, आने जाने के साधन जो सारे खत्म हो जाएंगे। जैसे आने जाने के साधन खत्म हो जाएंगे तो जितने भी बाबा के पास बाहर के आदमी काम करते हैं, मजदूर वगैरह भी लोग, उनको सब कुछ पता है कि अंदर मधुबन में पांडव भवन है, क्या क्या सामान कहाँ कहाँ है, खाने पीने का भी है सब कुछ, क्योंकि वो सारा दिन वहीं पर काम करते, शाम को अपने काम करके फिर अपने अपने घरों को जाते थे। तो बाबा ने बताया कि ये सब कुछ उनको पता है, जब खाने पीने की चीजें सब रास्ते खत्म हो जाएंगे, चारों तरफ हाहाकार मचेगी, तो यहाँ भी जो है मधुबन में भी जो भी लोग है वो आके लूट मार करेंगे, और यहाँ पर बिके तो थोड़े ही होंगे परंतु लूट मार मचाने वाले बात आएंगे, तो ऐसे ही जो है वो लूट कर ले जाएंगे, तुम देखते रह जाएंगे। उसके बाद विनाश के बारे में बताया कि ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे 50 मंजिल 40 मंजिल ये ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे, जैसे कि मुंबई में है। उसके बाद विनाश का एक और बताया कि अन्न जो है पुड़ियों में बिकेगा, छोटे बच्चे कन्या जो मुंह मांगा वर मांगेगी, उसके बाद जो है आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे, तो सिविल वार होगा, जैसे भारत में जो है सिविल वार होगा, भाई भाई आपस में लड़ेंगे, लूटमार मचेगी, और जो एटम हाइड्रोजन बम जब फटेंगे तो उसके द्वारा जब जहरीली गैस फैलेगी तो उससे जितने भी जीव जंतु है वो सब खत्म हो जाएंगे, फसलें भी सारी जहरीली हो जाएंगी, खाने लायक कुछ नहीं होगा। तो फिर एक जैसे कि अकाल की तरह, उसके बाद जो विनाश के बाद फिर जो है नई सृष्टि का, जैसे बाबा बताते हैं कि कैसे नई सृष्टि आएगी, तो पहले विनाश, क्योंकि अभी अति का समय है, हर चीज की अति है, तो अति के बाद फिर अंत के बाद फिर जो नई सृष्टि आएगी, उसी में बाबा ने बताया कि कैसे सत्यों का शुरुआत कैसे होगी। तो एक बारी जैसे बाबा के पास बैठा था तो बाबा ने बताया, मैंने कहा बाबा मैंने आज स्कूल जाना है, तो बाबा ने कहा अब बच्चे कौन से स्कूल जाना है, मैंने कहा यहाँ पर 15 अगस्त का दिन है और फंक्शन का दिन है, तो बच्चे जो है स्कूल में जाएंगे, अपना फंक्शन करेंगे, झंडा लहराएंगे और जो जनमन गण का गीत गाएंगे। तो बाबा ने कहा जाओ, तो जैसे मैं गया तो बाबा से छुट्टी ली और मैं गया स्कूल, ढूंढा पहले नकी लेक के पास, जैसे पहुंचा तो वहां बैंड की धुन सुनी, तो जैसे बैंड की धुन सुनी तो वहां मैंने पहुंचा जाके, तो बाबा ने जैसे कहा कि जाओ, तो मैं फिर स्कूल पहुंचा ग्राउंड में, जैसे बच्चों का फंक्शन चला हुआ था तो बच्चे जो है अपना जनमन का गीत गाया, उन्होंने बच्चों ने परेड की और झंडा लहराया गया। फिर बाबा ने बताया मेरे को और पूछा बच्चे क्या देखा, तो जो कुछ देखा मैंने बाबा को बताया कि ऐसे जनमन का गीत गाया, बच्चों की परेड हुई, झंडा लहराए, उस टाइम संस्था का झंडा नहीं होता था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आज से कोई 55 साल पहले की बात है, 15 अगस्त का दिन था, बाबा ने कहा बच्चे शिव बाबा का ध्वज निकलेगा, घर घर में झंडा लहराया जाएगा, गली गली में झंडा लहराया जाएगा, देश पर देश में झंडा लहराया जाएगा। अभी तो देश में इतने सेंटर भी नहीं थे, भारत में इतने सेंटर भी नहीं थे, तब भी बाबा ने कहा कि देश विदेशों में झंडा लहराया जाएगा, तो उस टाइम विदेशों में भी कोई सेंटर नहीं होते थे, तो आज देखो सारी दुनिया में शिव बाबा का झंडा लहरा रहा है। उसके बाद बाबा ने बताया कि जितने भी धर्म स्थापक है सबके झंडे जो है एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके झंडे एक मत में आ जाएंगे, सारे झंडे जो है
एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। उसके बाद फिर सतयुग की शुरुआत होगी, जब शिव बाबा का झंडा लाल किले के ऊपर लहराया जाएगा। तो वो दिन भी दूर नहीं है आपकी, शिव बाबा का झंडा लाल किले के ऊपर लहराया जाएगा, फिर सतयुग की शुरुआत हुई। क्योंकि संगम का युग जो है 100 साल का है, उसमें 88 साल तो खत्म हो चुके हैं, उसके बाद 12 साल में ही सारा जो है परिवर्तन होना है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल प्रलय हो जाती है, नहीं, परिवर्तन का समय है। एक तरफ स्थापना का कार्य पूरा होने वाला है, दूसरी तरफ जो है विनाश का कार्य बड़ी स्पीड से चला हुआ है। तो ये सारे नज़ारे जो है, फिर बाबा ने बताया कि सिविल वार होगा, सिविल वार के बाद जो है मिलिट्री राज होगा, उसके बाद फिर अमन चैन होगा। जैसे मिलिट्री राज होगा उसके बाद अमन चैन होगा, उसके बाद फिर ये सारा सत्य का शुरुआत हुई की हुई। तो इसमें भी थोड़ा अभी टाइम लगेगा, जैसे कि हम सब प्रकृति के नज़ारे देख रहे हैं अभी, तो जितने भी साइंस के साधन हैं उनके द्वारा विनाश का जो लास्ट सीन है वो विनाश का इन एटम हाइड्रोजन बम्बों के द्वारा होना है। उसके बाद तो बाबा से फिर रोज मुलाकात होती, तो बाबा के साथ उठना बैठना, बाबा के साथ काम करना, बाबा के साथ झूला झूलना, बैडमिंटन खेलना और बाबा के साथ कार्य करना, कितना सुखदायी दिन थे वो। तो आज हम वही दिन याद करते हैं कि बाबा के साथ जो माँ वाक्य हमने पहले सुने थे, आज वो प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। एक बारी बाबा ने क्या अनुभव कराया कि बच्चे आबू रोड से माउंट आबू तक जितना भी स्थान खाली है, उस टाइम तो अभी शांति वन में भी कुछ नहीं बना था, जितना भी स्थान खाली है, अभी तो बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई, बहुत सारे मकान दुकानें वगैरह बन गई है, परिसर बन गए, उस टाइम नहीं था। तो बाबा ने बताया कि जितना भी आबू रोड से माउंट आबू तक जो स्थान है वो सब, जैसे कि कुंभ का मेला लगता है उसमें जितने भी जगह खाली होती है उसमें टेंट लगाए जाते हैं लोगों के रहने के लिए, उसमें आते सारे अज्ञानी लोग। तो बाबा ने कहा कि अभी तो तुम ज्ञानी लोग आ रहे हैं, फिर उसके बाद आएंगे अज्ञानी लोगों की भीड़ लगेगी कि हमने माउंट आबू जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ बाबा ने तपस्या की है, ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की है, तो तपस्वी भूमि देखनी है हमने। तो किसी का नंबर एक दिन के बाद आता है, किसी का 2 दिन के बाद आता है, किसी का 4 दिन के बाद। तो आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगी हुई है, तो कहते हैं कि नंबर बार जैसे वहाँ भेज रहे थे कि हमने वहाँ की माटी जो है माथे पर लगानी है और तपस्वी भूमि देखनी है जहाँ बाबा ने तपस्या की है। तो उसके लिए कईयों को तो 7 दिन का भी इंतजार करना पड़ा। तो उन्होंने वहीं से जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके वहीं से खाना बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे खाना बनाना शुरू किया तो उसके बाद जैसे उनका नंबर आता था उनमें से कुछ मरना भी शुरू हो गया। कहते कि ये मर जाएंगे, इनको मरने दो, हमने माउंट आबू जाना है, जैसे भी हर हालत में हमने माउंट आबू जाना। तो ऐसे जैसे तीर्थयात्री जाते हैं अपने तीर्थों में जाते हैं तीर्थ करने, तो उनको यही लक्ष्य होता है कि हमने तीर्थ यात्रा करनी है, चाहे भक्ति मार्ग में कितने भी उनको धक्के खाने पड़े, कितना भी कष्ट सहन करना पड़े, परंतु फिर वो कहते हैं कि हमने जाना है, जरूर जाना है, चाहे वहाँ पर जगह मिले ना मिले, खाने को मिले ना मिले, स्नान करना उन्होंने उस जगह पर जाके। तो ऐसे ही भक्त लोग जो है, अभी तो हम बीके बहन भाई आते हैं तभी इतना बड़ा हॉल जो है फुल हो जाता है, जब अज्ञानी लोग आएंगे तब तो लंबी लाइने लगेंगे और दूर दूर से लोग आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद तो बाबा ने फिर बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराए, वो दूसरे उसमें मैं आपको सुनाता रहूंगा। ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो बाबा ने यहाँ तक मुझे पहुँचाया।